तो अगर कोरोना से लड़ना है तो अब छोटी छोटी आदतों को बदलने का वक्त आ गया है। कैसे हमारी छोटी छोटी खराब आदतें कोरोना वायरस को भारत में तेजी से बढ़ा रही हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दुनिया ने कोरोना की वजह से न जाने अपनी कितनी आदतों को बदल दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए लोगों की जीवन शैली ही बदल गई, और इसकी एक नहीं कई तस्वीरें आप भारत से जोड़कर भी देख सकते हैं। सच ये है कि कोरोना से लड़ना है तो अब छोटी छोटी आदतों को बदलने का समय आ गया है। जिसे कोरोना के जाने के बाद भी आप जिंदगी से जोड़े रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी सड़कों पर आम लोगों की कुछ ऐसी आदतें हैं जो कोरोना वायरस को फैलने में या ऐसी ही कोई बीमारी को बढ़ावा देती नजर आती है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है पब्लिक प्लेस में थूकने का। भारत में लोग शायद थूकने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं। जहां देखा दीवारों पर थूक दिया, मानो चित्रकारी कर रहे हो। और ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा ऐसी दुकानों के पास ही मिलती है जहां पर पान मसाला गुटखा मिलता है। लेकिन दुकानदारों से पूछो तो कहते हैं हम मना करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। हम लोगों को बोलते हैं, थूकने के मना करते हैं, फिर भी वो कोई सुनाई नहीं करते और दीवारों में बहुत थूकते हैं मना करने के बाद भी। इन्हीं तस्वीरों के बाद हाल को गंभीरता से लेते हुए गुजरात सरकार ने थूकने पर जुर्माना लगाने का कदम उठाया। सार्वजनिक स्थान पर थूकने को दंडनीय अपराध घोषित करने की सरकार योजना बना रही है। कोरोना वायरस फैलने की आशंका के चलते ये गुजरात सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। कोरोना से लड़ाई लड़ रहा भारत हाथ धोकर खुद को बचाने में लगा है, पर ये पब्लिक प्लेसेस पर थूकने की आदत उसको धीमा कर सकती है, जिसे आम लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। पिलर्स, प्लांट्स, पार्किंग एरिया सब जगह थूकते हैं, इवन मेट्रो में भी थूकते हैं। बहुत गंदा लगता है, बहुत ही गंदा। कि उनको रोके कैसे, कुछ नहीं है, पेनल्टी होनी चाहिए उनके लिए, फाइन होना चाहिए। मेट्रो में दिया ऑब्वियस फाइन भी है, फिर भी थूकते हैं। उन्हें पता है कि हम थूके चले जाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम स्मोक करते हैं और हमें पकड़ लेते हैं तो हमारा फाइन लगता है, तो ऐसे यहाँ भी फाइन लगना चाहिए। इवन ऑफिस के स्टेयर्स चढ़ रहे हैं वहाँ भी देख लो, कहीं ना कहीं गंदे ऑफिस मिलेंगे आपको, वहाँ भी लोग थूकते हैं। दूसरे शहरों की तुलना में दिल्ली में गुटखा खाने वालों की औसत संख्या अधिक है, और इसी थूकने की वजह से शहर में अधिक मात्रा में गंदगी भी फैल रही है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायरस पहुंचने में आसानी हो जाती है। इसलिए जो फैसला गुजरात सरकार ने लिया है, कुछ वैसा ही करने की जरूरत देश के अन्य राज्यों को भी है।